हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लोग एक और ग्रामर को सिंप्लीफाई करेंगे और इसमें एक और रूल ऐड कर देंगे हम अपने प्रीवियस वाले कॉन्सेप्ट में कि हम जितने भी ऐसे सिंबल्स हैं जो कि यूनिट प्रोडक्शंस हैं उनको भी हम रिमूव कर देंगे। यूनिट प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि ए प्रोड्यूसेस बी एंड बी प्रोड्यूसेस सी एंड सी प्रोड्यूसेस स्मॉल ए। तो इस केस में सिंपल सी मीनिंग ये है कि ए बी को प्रोड्यूस करता है, बी सी को प्रोड्यूस करता है और सी स्मॉल ए को जनरेट करता है। सो यहाँ पे ये जो बी और सी सिंबल्स हैं वो हमारे किसी काम के नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने केवल अपने डिराइवेशन को लेंदी बना दिया है, तो इसलिए हम इस प्रोसेस में से बी प्रोड्यूसेस सी को और सी प्रोड्यूसेस ए को हटा देंगे और केवल एक प्रोडक्शन रखेंगे कि ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए। सो इस तरह से भी हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। बाकी सारा कॉन्सेप्ट प्रीवियस वाला कॉन्सेप्ट ही है जिसमें कि हम यूजलेस प्रोडक्शंस को मतलब कि नॉन जनरेटिंग सिंबल्स को और नॉन रीचेबल सिंबल्स को भी रिमूव करेंगे। तो आइए हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं इस गिवन ग्रामर के लिए। तो सबसे पहले स्टेप वन में हम ये पता करते हैं कि किन सिंबल्स पे हम नहीं पहुंच सकते या किन सिंबल से हम नॉन टर्मिनल जनरेट नहीं कर सकते। पहले हम ये कर लेते हैं कि किन सिंबल से हम नॉन टर्मिनल जनरेट नहीं कर सकते। सो लेट्स टेक द डेराइवेशन एक्स एस प्रोड्यूसेस एक्स वाई एंड एक्स प्रोड्यूसेस ए देन वाई प्रोड्यूसेस जेड और बी। ओके सो वाई प्रोड्यूसेस आइदर जेड और बी। वी आर लेट्स से पिकिंग वाई प्रोड्यूसेस जेड सिंस जेड प्रोड्यूसेस एम एंड एम प्रोड्यूसेस एन एंड एन प्रोड्यूसेस ए। इसका मतलब है कि हम एक्स से टर्मिनल सिंबल पहुंच रहे हैं, वाई से भी टर्मिनल सिंबल पहुंच रहे हैं, जेड से भी टर्मिनल सिंबल पहुंच रहे हैं, एम से भी टर्मिनल सिंबल पहुंच रहे हैं, एन से भी टर्मिनल सिंबल पहुंच रहे हैं एंड ऑब्वियसली एस से भी टर्मिनल सिंबल पहुंच जा रहे हैं। तो इसका मतलब कि जितने भी नॉन टर्मिनल सिंबल यहाँ पे हैं मतलब एक्स एस एक्स वाई जेड एम एन ऑल आर जनरेटिंग सिंबल। ओके ऑल आर जनरेटिंग सिंबल्स। कोई भी ऐसा सिंबल नहीं है जो कि नॉन जनरेटिंग है, इसलिए यहां से किसी भी सिंबल को हम रिमूव अभी नहीं करेंगे। फाइन, अब हम यूनिट प्रोडक्शन की बात कर लेंगे और यूनिट प्रोडक्शन को हम कैसे रिमूव करेंगे। मैंने आपको भी जस्ट अभी बताया कि यूनिट प्रोडक्शन को कैसे रिड्यूस किया जाएगा। यहाँ पे कौन कौन से यूनिट प्रोडक्शन है? यहाँ पे यूनिट प्रोडक्शन है Y produces Z, यहाँ पे यूनिट प्रोडक्शन है Z produces M, यहाँ पे यूनिट प्रोडक्शन है M produces N। अब चूंकि आपको पता है कि N produces A, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि Y produces A। क्यों आपने ऐसा किया? ये एक ट्रांजिटिव टाइप का रिलेशन बन रहा है। Y Z को प्रोड्यूस करता है, Z M को प्रोड्यूस करता है, M N को प्रोड्यूस करता है और N A को प्रोड्यूस करता है। सो इसलिए हम कहेंगे कि वाई जो है वो ए को प्रोड्यूस करता है। सो हमारा जो सिंबल होगा वो जो हमारा प्रोडक्शन होगा वो वाई प्रोड्यूसेस ए हो जाएगा और जो हमारा रिजल्टेंट ग्रामर अब बचेगा दैट विल बी इक्वल्स टू एस प्रोड्यूसेस एक्स वाई एंड देन एक्स प्रोड्यूसेस ए और वाई प्रोड्यूसेस ए और बी। फाइन, सो वाई प्रोड्यूसेस जेड की वाई प्रोड्यूसेस जेड को हमने एलिमिनेट कर दिया, जेड प्रोड्यूसेस एम को भी हमने एलिमिनेट कर दिया, एम प्रोड्यूसेस एन को भी एलिमिनेट कर दिया, एन प्रोड्यूसेस ए को भी एलिमिनेट करके हमने वाई प्रोड्यूसेस ए का नया एक हमने एक प्रोडक्शन बना दिया और यही मेरा रिजल्टेंट ग्रामर है। सो दिस वे वी हैव रिड्यूस्ड और वी हैव सिंप्लीफाइड द गिवन सी एफ जी। Thanks for watching. We will take more example in the subsequent lectures.